गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन आरचे एजुकेशन हब बांसुर ऑनलाइन क्लासेस। इन प्रीवियस क्लासेस वी ऑलरेडी सी पीरियोडिक ट्रेंड्स इन विच एटॉमिक ट्रेंड्स एंड आल्सो आयनिक रेडियस ट्रेंड्स। नेक्स्ट वी टुडे स्टडी अबाउट ए थर्ड पीरियोडिक ट्रेंड दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी एंड आल्सो कॉल्स आयनाइजेशन पोटेंशियल विच इज नोटेड बाई आईपी। आयनिक पोटेंशियल लाइक दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, दैट मीन्स देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ आयन्स। सो नेम इज गिवन आयनाइजेशन, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयन्स दैट इज कॉल्स आयनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी आयनाइजेशन पोटेंशियल, इट रिप्रेजेंट बाई आईपी। What is the definition of ionization energy? You can say the energy which is required to remove of electrons from a neutral atom in its gaseous state on normal conditions to form in ionic positive ions. Energy required calls ionization energy. It can be seen, for example, that is a atom A, it gains एनर्जी गेन करते हैं एटम और चेंज हो जाता है ए प्लस, दैट मीन्स न्यूट्रल अवस्था से किसमें आ गया, आयन्स फॉर्म में आ गया। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया यहाँ से, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव, दैट मीन्स वन इलेक्ट्रॉन रिमूव, दैट इज कॉल्ड एक न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपने जो एनर्जी दी है, गिवन एनर्जी या गेंस एनर्जी ये कहलाती है, आप इसको गिवन एनर्जी भी कह सकते हैं। गिवन एनर्जी दैट इज कॉल्स आयनिक पोटेंशियल नोटेड बाई आईपी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए है, सो दैट इज कॉल्स फर्स्ट आईपी फर्स्ट। ओके, इफ वी रिमूव अनदर इलेक्ट्रॉन, इफ यू वांट टू फॉर्म ए डाइकेट आयन फॉर्म, सो देर विल बी आल्सो रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वन रिमूव इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन ऑफ ए पॉजिटिव। नाउ सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव फ्रॉम दिस आयनिक फॉर्म ए पॉजिटिव आयन एंड फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस प्लस फॉर्म, सो देर विल बी आल्सो लूज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डाइकेट आयन फॉर्म, दैट इज कॉल्स IP2 यानी आयनिक पोटेंशियल सेकंड कहलाएगा। इफ वी रिमूव नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, दैट मीन्स ए पॉजिटिव पॉजिटिव सेकंड से अपन फॉर्मेशन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो दैट विल बिकम थ्री पॉजिटिव आयन्स, दैट मीन्स वन इलेक्ट्रॉन इज आल्सो रिमूव फ्रॉम इट, सो रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्स आईपी आयनिक पोटेंशियल। तीसरा इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया है इसलिए कौन सा कहलाएगा, IP3 कहलाएगा। ओके, देयर विल बी आयनिक पोटेंशियल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, व्हाट विल बी डिफरेंस यू ऑलरेडी, यस दैट मैटम इन जनरल स्टेट गैसेस स्टेट कम्स इन ए आयन्स फॉर्म, सो एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ आयन्स there will be required of energy is more, because as well as size decrease according to A plus ions increase, you see in previous video in a ionic radii, as well as positive ions increase, Z effective is also increase, just as a positive size positive ions increase, Z effective increase, so size decrease, so ionic potential
increase hc in period, periods में अगर अपन जाते हैं ये फैक्टर वर्क करता है, बट इन ग्रुप, ग्रुप की अगर बात करें यानी अप टू डाउन जाते हैं पीरियडिक टेबल में, यू कैन सी फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, देन अप टू डाउन बोथ देयर विल बी इंक्रीज इन साइज. क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, सो देयर विल बी इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स. आयनिक पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा. जितना बड़ा साइज एटम का रहेगा, एटम का ये साइज है, एक एटम है, इसका साइज इट हैव वन इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इट हैव दिस टाइप, दैट इज वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन दिस आल्सो फॉर लिथियम इट हैव थ्री इलेक्ट्रॉन्स, फॉर लिथियम इट हैव थ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट फॉर इफ वी सी सोडियम आयन इट हैव मोर साइज, इट हैव टू इलेक्ट्रॉन्स हियर, एट इलेक्ट्रॉन्स आर कम्स इन दिस पार्ट, बिकॉज इन सेकेंड पीरियड देर विल बी एट इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमेनिंग वन इलेक्ट्रॉन इज कम आउट ऑफ दिस. यू कैन सी फ्रॉम सेंटर, इस सेंटर से अगर बात करें और इस सेंटर से अगर बात करें, इसकी डिस्टेंस इस वाले सेंटर से, इसकी डिस्टेंस कौन से वाले की रेडियस ज़्यादा है, रेडियस कौन सा ज़्यादा है, इससे डिस्टेंस इस वाले की रेडियस क्या है, अधिक है. क्यों? क्योंकि साइज क्या है इसका, सोडियम का साइज है वो बड़ा है कंपेयर टू लिथियम, बिकॉज वी नो ऑलरेडी अप टू डाउन गोज साइज इज ऑल्सो इंक्रीज, सो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इज ऑल्सो डिक्रीज. सेम कंडीशन, साइज बड़ा होगा तो किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, इजी होगा, बिकॉज न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग के साथ रखता है, पेरेंटल की तरह काम करता है, और ये अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव करना है तो क्या करेंगे, इजीली इसको रिमूव करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, डैट इज कॉल्स आयनिक पोटेंशियल. ये इलेक्ट्रॉन्स फास्टली रिमूव होगा बिकॉज इससे कनेक्शन क्या है इसका, लूज है, इसका कनेक्शन इससे क्या है, साइज छोटा होने के कारण ये वाला टाइटली बॉन्डेड है, सो इसमें आयनिक पोटेंशियल का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, इस वाले में क्या होगा, कम होगा. तो वी कैन सी इन ग्रुप अप टू डाउन वो साइज इंक्रीज होता है तो आयनिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. अगर पीरियड में बात करें तो ये पॉजिटिव आयन्स इंक्रीज होते हैं, जेड इफेक्टिव का मान इंक्रीज हो जाता है तो साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और आयनिक पोटेंशियल का मान क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो इसके बेस अपन कह सकते हैं आयनिक जो पोटेंशियल होता है वह किस टाइप से ट्रेंड करता है. अगर तीनों में अगर तुलना करें, कंपेरिजन करें, तो वाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस, तो वी कैन सी इट्स ऑर्डर विल बी आई पी वन से ज़्यादा कौन होगा, आई पी टू इससे ग्रेटर कौन होगा, आई पी थ्री दैट विल बी ट्रेंड गॉज आई पी एन, दैट मीन्स एज वेल एज पॉजिटिव आयन्स इंक्रीज आई पी, आई पी वन, आई पी टू थ्रू देर विल बी इंक्रीज ऑल्सो इन आयनिक पोटेंशियल. आयनिक पोटेंशियल जो होता है उसका ऑर्डर है वो आपको स्टेप से मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें आयनिक पोटेंशियल जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो आप देखिए स्ट्रैंड के अंदर, स्ट्रैंड में अगर बात करने वाले हैं आयनिक एनर्जी के अंदर, एक एग्जांपल है यू कैन सी इन पीरियड. नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, इन सेकेंड पीरियड दैट इज एलिमेंट्स प्रेजेंट, वी वांट टू सी द फर्स्ट आई पी ऑर्डर, कौन सा आयनिक पोटेंशियल निकालना है फर्स्ट, दैट मीन्स सभी एलिमेंट्स में से, एटम्स में से एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे. इस वाले पार्ट में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया,
लिथियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे, सेम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें, इस वाले में जो साइज है उस पर क्या इफेक्ट होगा? इन पीरियड यू ऑलरेडी सी साइज इज डिक्रीज अकॉर्डिंग टू जेड इफेक्टिव, सो लेफ्ट टू राइट गो, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, सो साइज विल बी डिक्रीज, सो आईपी विल बी इंक्रीज। स्टैंड के आधार पे अगर ऑर्डर देखें उसकी फर्स्ट आईपी का ऑर्डर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस देयर विल बी लिथियम ग्रेटर, बेरिलियम ग्रेटर, और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, दैट विल बी जनरल ऑर्डर, बट दिस ऑर्डर इज नॉट फॉलो by some elements in this group that is called exceptional case which not follow this rule, that is very important part, nitrogen and oxygen, beryllium and boron element that not follow this order because there will be two other factors which affect ionic potential, that is you can see in beryllium electronic configuration, that is first s2 2s2, and boron have electronic configuration first s2 2s2 2p1, its valence shell have 3 electrons, valence shell have 2 electrons. Same in nitrogen, you can see its valence shell have 2s2, 2p3, but oxygen have 2s2, 2p4 electrons. Okay? इस वाले में आप देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे इसका ऑलरेडी 2s2, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आप प्रेजेंट कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज कॉल्ड फिल्डेड ऑर्बिटल। क्या कहलाता है ये? फिल्डेड ऑर्बिटल। ये कंप्लीट रूप से भरा हुआ ऑर्बिटल है। इस वाले में अगर देखें तो 2s ऑलरेडी कंप्लीट है, बट इस वाले में एक इलेक्ट्रॉन है। पी वाले ऑर्बिटल्स में अगर बात करें तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है, ऑलरेडी वेकेंट है, दैट इज देयर विल बी वन इलेक्ट्रॉन, इजिली यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इस टाइप का हो गया, देयर विल बी सेम टू इट, दैट इज बेरिलियम बोरॉन, इट इज मोर स्टेबल। सो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना कहाँ से इजी है? इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है कंपेयर टू डबल इलेक्ट्रॉन्स। सिंगल इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो जाता है कंपेयर टू डबल इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स डबल इलेक्ट्रॉन की तुलना में सिंगल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा? इजी होगा, और इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फास्टली यहाँ से निकल जाएगा। सो देयर विल बी आयनिक पोटेंशियल है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसमें एनर्जी अधिक रिक्वायरमेंट रहेगी, अधिक एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, गेन करनी पड़ेगी ताकि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल सके। सो बेरिलियम जो होता है इसकी एनर्जी जो होती है वो बोरोन की तुलना में क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। दैट मीन्स अब ये जो बेरिलियम है इसका ऑर्डर ये नहीं मिलेगा, बोरोन यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर बोरोन की एनर्जी क्या हो गई? डाउन हो गई, और बेरिलियम की एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। दैट विल बी एक्सेप्शनल केस। ये एक्सेप्शन आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल जाएगा। दूसरे वाले में नाइट्रोजन में अगर अपन देखें तो नाइट्रोजन में 2s2 2p इसका वैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये वाला p ऑर्बिटल जो होता है, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई? 3 इलेक्ट्रॉन्स आप ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्स हाफ फिल्डेड। क्या कहलाएगा ये? हाफ फिल्डेड फॉर्म कहलाती है। ओके, और हाफ फिल्डेड में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू अदर, दैट इट मे बी दिस टाइप देर विल बी इजी, बट देर विल बी बेस्ट फॉरम इच कम्स बिकॉज देर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन कम इन पी ऑर्बिटल एंड देर विल बी 3 ऑलरेडी प्रेजेंट, सो 1 by 1 इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करेंगे? इसको दैट विल बी नॉट नेसेसरी, इलेक्ट्रॉन्स कौन सा गेन होगा, कौन सा निकलेगा, सो
यहाँ एनर्जी की रिक्रूटमेंट क्या होगी, मोर होगी। इस वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर फोर इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, हाफ फिल डेट से ज्यादा हो गया क्या, फोर इलेक्ट्रॉन्स है, हाफ फिल डेट से मोर है, दैट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो देर विल बी ऑल्सो चेंज इन दिस और देर विल बी मोर आयनिक पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन कंपेयर टू ऑक्सीजन फॉर फर्स्ट आईपी। तो फर्स्ट आईपी के लिए जो ऑर्डर अपने को मिलेगा वो ऑर्डर कौन सा रहेगा, ये वाला है, ये करेक्ट ऑर्डर रहेगा कंपेयर टू वो, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स को फॉलो नहीं करते। पहले वाला ये था, कारण क्या था, फुल फील्डेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं होता है कंपेयर टू हाफ फील्डेड। हाफ फील्डेड वाले में भी यही है, हाफ फील्डेड ऑर्बिटल अगर पी ऑर्बिटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना दूसरे वाले ऑर्बिटल की तुलना में क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो आयनिक पोटेंशियल भी क्या चाहिए आपको, अधिक चाहिए। इसी कारण क्या हुआ, अधिक एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, और अधिक एनर्जी आप इसमें गिवन है तो आयनिक पोटेंशियल भी क्या होगा, अधिक होगा। सो वाइज इन दिस वी सी आयनिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस पड़ता है, पीरियड में क्या होता है, साइज फैक्टर के अकॉर्डिंग देगा। पीरियड में जाने पर साइज इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जेड इफेक्टिव का मान इंक्रीज हो रहा है, सो आयनिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। बट इन ग्रुप यू कैन सी साइज इज आल्सो इंक्रीज, सो आयनिक पोटेंशियल इज डिक्रीज। एग्जांपल्स यू कैन सी ऑलरेडी देयर विल बी फर्स्ट आईपी ऑर्डर फॉर लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड आल्सो फॉर नियॉन, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। इज क्वेश्चन इज कम्स फ्रॉम हियर, व्हाट विल बी, व्हाई बेरिलियम है मोर आयनिक पोटेंशियल कंपेयर टू बोरॉन फर्स्ट आईपी एंड सेम नाइट्रोजन है मोर कंपेयर टू ऑक्सीजन, व्हाई, व्हाट इज द रीजन, तो रीजन यू विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू हाफ फिल्डेड एंड फुल फिल्डेड ऑर्बिटल्स। ओके, टुडे इन दिस क्लास वी सी द आयनिक पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टू क्वेश्चंस आर पुट अप हियर, यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।